हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है नवरात्रि, नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा हम सभी पे बनी रहे। और आज संडे भी है तो ये चीज़ अच्छी है कि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, आराम से सारे काम करती हूँ। जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ और बस मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ भीगे हुए, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, पूजा में भी 1 घंटा लग जाएगा और बाकी सब काम करने में मैं भी, और इतनी देर भूखा रहना अभी सही नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे माइग्रेन की भी दिक्कत है, और एक रीज़न ये भी होता है, खाली पेट रहने से भी होता है। और इस टाइम पे तो और कोई मेडिसिन हम ले नहीं सकते, तो इसलिए फ़िलहाल मैं अभी ये ड्राई फ्रूट्स और 1 गिलास पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर सारा काम करूँगी, पूजा वगैरह करूँगी। मैंने वैसे कभी नवरात्रि के फास्ट रखे नहीं हैं और इस बार भी मैं नहीं रख पाऊँगी, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। बट ये कि मम्मी रखती थी और वो जो जो बोते हैं वो बोते ही थी, और ऐसे बोलते कि उसको ऐसे छोड़ते नहीं है बोना। तो इस बार मम्मी है नहीं, वो दिल्ली गए हुए हैं किसी काम से, तो वो सब चीज़ें इस बार मुझे करनी है। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा पाठ वगैरह करने में, तो बस अभी पहले ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ फिर बाकी सारा काम करती हूँ। सारा काम करने के बाद नहा के मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाई कढ़ाई, जिसमें डाला घी। ये जो घी है ये मैंने कल ही बनाया है, तो सोचा चलो घर के घी का ही बना लूँ। और आई थिंक मैं हलवा तीसरी या चौथी बार बना रही हूँ शादी के बाद, मैंने बहुत कम हलवा बनाया है। सबसे पहले इसे भूना, फिर चीनी डाली, थोड़ी सी इलायची, ड्राई फ्रूट्स डाले, फिर गर्म पानी डाला और हमारा हलवा बन गया, जिसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। देन इसके बाद फिर मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए, तो जो मेरी डेली वाली पूजा होती है वो मैंने कर ली थी। मंदिर थोड़ा छोटा है इसलिए माता रानी की जो पूजा थी मैंने नीचे करी। सबसे पहले ये कपड़ा बिछाया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने दूसरा बिछाया, फिर माता रानी की मूर्ति रखी और फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें करी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ, तो मुझे लग क्या रहा था मैं चीज़ें भूल ही रही थी। हो सकता है मैंने बहुत सारी गलतियां करी हो, जिसके लिए मैंने बाद में क्षमा भी मांगी थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें करी।
पूजा हो गई है और मैं भी किचन में आ गई फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैं सुबह 7 बजे उठी थी और अभी 10:30 बज रहे। इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे पता नहीं था इतना टाइम लगेगा। तो मैंने आलू चढ़ा दिए थे, हलवा बना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आलू के गुटके बना लूँ। ये हमारे पहाड़ साइड का नाश्ता है, आलू के गुटके और हलवा। तो बस यही मैं बना रही हूँ कि भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है अब मुझे। मैं फर्स्ट टाइम कंसीव करने के बाद इतनी देर तक भूखी रही हूँ, पहली बार इतना भूखी रही हूँ। पर ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी फटाफट नाश्ता बनाते हैं और अपनी जो मॉर्निंग वाली मेडिसिन है वो खाते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बन भी गया है और लग भी गया है। ये है आलू के गुटके जिसके साथ है सूजी का हलवा। बहुत टाइम बाद हम इस टाइप का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, काफ़ी लेट हुआ है, 11 बज रहे हैं अभी। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में सोऊंगी, क्या इतना मॉर्निंग से लाइट नहीं है तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो बर्तन वगैरह कुछ साफ़ हो नहीं सकते। इन्वर्टर से चल रहा है ये जो भी है, ये भी डाउन होने वाला है शायद इन्वर्टर, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है तो पंखे वगैरह सब इसी से चल रहे हैं। तो सोच रही थोड़ी देर सो जाती हूँ जब तक, और फिर उठ के जो है दिन का खाना वाना बनाऊँगी। फिलहाल मैं आज के इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।